हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राहुल है, ये मेरी वाइफ कोयल हैं। जो लोग हमें जानते हैं काफ़ी अच्छे से, उनको पता होगा कि हमें एक बेबी भी है। स्क्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं, ये हमारे बेबी का फ़ोटो है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे ज़्यादा कब होते हैं। काफ़ी सारी महिला, काफ़ी सारे पुरुष डेली हमारे वीडियोज़ पर कॉमेंट करते हैं कि राहुल भैया, हमारे पास में एक लेडी है और शादी हम दोनों के एक साथ हुई थी और उसको दो बच्चे हैं, हमें एक भी बच्चा नहीं है, तो हम क्या करें, या फिर आप हमें थोड़ी सा सलाह दीजिए कि हम किस तरीके से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब देखिए, कमेंट के द्वारा एक व्यक्ति की हम समस्या को हल कर सकते हैं और एक वीडियो के द्वारा हम हजारों लाखों की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो अगर इसका रिप्लाई हम कॉमेंट में देंगे तो सिर्फ एक लोगों को ही समझ में आएगा, और एक वीडियोस के लिए प्रॉपर बनाएंगे प्रेग्नेंट होने के लिए या फिर प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे ज़्यादा कब होते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों की मदद मिल जाएगी। हमारा सीधा मतलब है लोगों की मदद से, ओके। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको दे दें कि आपकी भाभी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज़ करके प्रेग्नेंट हुई थी और उस मेडिसिन को तैयार करती हैं एक बूढ़ी दादी माँ जो कि हमारे पास में रहती हैं। जब वो पास में रहती हैं तो हमने उनकी मेडिसिन यूज़ की थी और 30 दिन मात्र यूज़ की थी। 30 दिन में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं उनका ये मेडिसिन यूज़ करना तो बहुत इजी और बहुत आसान है। स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने लिए मेडिसिन मंगवा सकते हैं। 30 दिन की दवाई होती है, 30 दिन में प्रेगनेंसी रुक जाती है। ओके गाइस, अगर मंगवाना चाहो तो आप मंगवा लेना, ज़बरदस्ती बाकी कुछ नहीं। ओके, अब बात करते हैं कि किस तरीके से और कब चांस होते हैं प्रेग्नेंट होने के सबसे ज़्यादा। देखो, प्रेग्नेंट होना एक अलग की बात है, लेकिन कुछ चीज़ों को ठीक करना उससे भी एक अलग बात है। जैसे कि आपके पीरियड, जब तक आपके पीरियड रेगुलर नहीं होंगे तब तक आपकी प्रेगनेंसी कभी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं हो सकती। तो अगर पीरियड आपके रेगुलर हैं तब भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए अपने ओवुलेशन डे पर। ओवुलेशन कब होता है? ओवुलेशन होता है जिस दिन आपके पीरियड बंद हो जाते हैं, उस दिन को काउंट करके 12, 13, 14 और 15, इस डेट में आपके हमेशा ओवुलेशन होगा अगर आपके पीरियड रेगुलर हैं तो। ओके, अगर रेगुलर नहीं है तो आपका ओवुलेशन डे भी रेगुलर नहीं होगा, वो भी हमेशा आगे पीछे रहेगा। तो आपको इन दिनों में ज़्यादा रिलेशन में आना है। अगर इन दिनों में ज़्यादा रिलेशन में आते हैं आप, तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में मदद मिलेगी। तो आई होप गाइस, आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है कहीं से, या फिर कोई सा भी पार्ट आपको अच्छा लगा वीडियो का, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना गाइस। और चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों की मदद हो। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।